व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइस, ये बैड न्यूज है गाइस। आप जो भी कह सकते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपका भी चैनल हो सकता है यहाँ पे डिलीट। अगर आप एक यूट्यूबर की क्रिएटर हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, साथ में यहाँ पे लाइव प्रूफ भी देने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई है मेरे साथ और मेरे सब्सक्राइबर के साथ और मेरे दोस्त के साथ क्या प्रॉब्लम आई है, पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर आप स्केचवेयर प्रो में मोडेड वाले वर्जन में वीडियो ट्यूटोरियल बनाते हैं और उसे पब्लिश करते हैं प्ले स्टोर पे, तो आपको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे क्या होगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ने के बाद पता चलेगा कि बहुत सारे वीडियोस हैं आपके मोडेड वर्जन में, तो आपका जो है डायरेक्ट जो है चैनल डिलीट कर दिया जाएगा यहाँ पे यूट्यूब से। तो आप इस वीडियो को देखें, मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी चैनल की बात करूँ तो मेरे चैनल में अभी तक दो स्ट्राइक पड़ चुके हैं, जो कि है यहाँ पे मैंने स्केचवेयर प्रो में वीडियो बनाया था, वो वीडियो पे हमारा जो है कॉपीराइट स्ट्राइक आया। जब मैंने अपील किया तो पता चला कि यहाँ पे अपील करने के बाद भी ये जो है हमारा कॉपीराइट स्ट्राइक जो है रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरा YouTube प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप अगर स्केचवेयर प्रो में ट्यूटोरियल बना रहे हैं, स्केचवेयर प्रो पे ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो आप उस ट्यूटोरियल को बनाना स्टॉप कर दीजिए। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट है जो कि मेरे साथ ये कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा इस वीडियो पे, जो कि मैंने स्केचवेयर से रिलेटेड वीडियो बनाया था और ये कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा है गाइस। तो ये हो गया मेरा चैनल के बाद। साथ में मैं आपको बता दूं गाइस कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि अरबवेयर करके उसका यूट्यूब चैनल का नाम था। अगर आप स्केचवेयर डेवलपर हैं तो आपको पता होगा अरबवेयर के बारे में। अगर आप उनके टेलीग्राम ग्रुप में जाएं या टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे उनका भी चैनल जो है टर्मिनेट हो चुका है, डिलीट हो चुका है यूट्यूब से गाइस। ये डिलीट होने का रीज़न इन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैंने स्केचवेयर प्रो को मोडेड वर्जन के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसके वजह से मेरे जो है चैनल जो है यहाँ से यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। तो गाइस मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि अगर आप स्केचवेयर से वीडियो बनाते हैं, स्केचवेयर से रिलेटेड, अगर मोडेड वर्जन से रिलेटेड, अगर आप स्केचवेयर प्रो से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आप स्टॉप कर दीजिए, और अगर आपका वीडियो अपलोडेड है तो उसे आप जल्द ही डिलीट कर दीजिए। मेरे चैनल पे भी धीरे धीरे करके मैं वीडियोस को डिलीट कर रहा हूँ जो वायलेट कर रहा है, तो मैं सारे वीडियोस को धीरे धीरे करके डिलीट कर रहा हूँ। तो आपको अब स्केचवेयर से रिलेटेड, स्केचवेयर प्रो से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा इस चैनल पे। इस चैनल पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको जो है टिप्स एंड ट्रिक्स और आपको वीडियोस मिलेंगे, सिर्फ स्केचवेयर प्रो से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को अब नहीं मिलेगा। मैं अब जो है आपको बता दूंगा इसकी, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं किस पे वीडियो बनाऊंगा, तो गाइस मैं आपको बता दूंगा इसकी ऐप बिल्डर पे आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसे प्ले स्टोर पे पब्लिश भी कर सकते हैं। साथ में मैंने एक अपडेट दिया था कुछ दिनों पहले कि अगर आप स्केचवेयर प्रो में एप्लीकेशन बनाते हैं और उसे पब्लिश करते हैं प्ले स्टोर पे, तो आपका जो है प्ले कंसोल अकाउंट जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो बाद में मैंने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि अभी ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है, तो मैंने आपको दूसरे वीडियो में अपडेट कर दिया था। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि आप अवेयर रहिए, जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको अपडेट सबसे पहले दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।